अब इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। ये ब्लाउज बनाएंगे हम, इसको हम सबसे पहले प्लेन कर लेंगे। इस तरह से हमें दोनों पीसेस को अलग कर लेना है, और इसका मैंने जो भी लेस बोन वगैरह लगा था उसको निकाल दिया है। सबसे पहले इसका नेक बेड़थ देख लेंगे। इसमें नेक बेड़थ है 3 इंचेस। यहाँ से नेक की डेप ले लेंगे 4.5 इंचेस। आप चाहें तो 6 इंचेस भी ले सकते हैं। तरह से गुलाई करके इसको कट करेंगे। उससे पहले हम शोल्डर ले लेंगे। ब्लाउज में हमेशा शोल्डर 5 इंचेस लेते हैं। तो यहाँ से इस तरह से मार्क कर लेंगे। ऊपर से आर्म होल लेंगे 5 इंचेस। यहाँ से 1 इंचेस ले लेंगे। इसको गोलाई से इस तरह से कर लेंगे। ये यहाँ से हमारा जो चेस्ट की मेजरमेंट है वो नहीं आ रहा है, तो इसमें हम क्या करेंगे, आर्म होल को 7 इंचेस कर लेंगे। इसमें हम नेट के स्लिप्स लगा लेंगे, और यहाँ से 1 इंचेस ले लेंगे। लेकिन अगर आपके पास अच्छा खासा फैब्रिक है तो आप इसमें आर्म होल 5.5 इंचेस ही लेंगे। इसकी लेंथ है 14 इंचेस, तो इसको पूरा रखेंगे क्योंकि 13 इंचेस हमारा कंप्लीट होगा। और यहाँ से चेस्ट की मार्किंग करेंगे, मैं ले रही हूँ 7.5 इंचेस। 1 इंचेस मार्जिन के लिए ले लेंगे। कमर मेरी मेजरमेंट से है, यहाँ पर ले रही हूँ 7 इंचेस। 28 इंचेस से 28 इंचेस है, तो इसका फोर्थ भाग 7 इंचेस होगा। तो इस तरह से मार्किंग करके अब इसको कट कर लेना है। इसको मैंने कट कर लिया है। अब इसका बैक पार्ट कट कर लेंगे। इसको भी हम फोल्ड कर देंगे इस तरह से। फ्रंट पार्ट को इसके ऊपर रखेंगे, इसको भी कट कर लेंगे। इस तरह से इसको कट कर लेंगे। अब इसका नेक कट करेंगे बैक पार्ट का। इसको हम निकाल देते हैं, और यहाँ से इसकी लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। मैं इसमें ले रही हूँ 6 इंचेस। यहाँ पर मार्क कर लेंगे। अब इसको कट कर लेंगे। इसको थोड़ा सा डिजाइनर बना लेंगे। अब यहाँ से सबसे पहले 1/2 इंचेस यहाँ से मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद ऊपर की साइड 3 इंचेस लेंगे, यानी कि टोटल 3.5 इंचेस ले लेंगे। यहाँ से 4.5 इंचेस लेंगे, ऊपर से भी 4.5 इंचेस लेंगे। इसको इस तरह से करके कट करना है। इसको इस तरह से कट करना है। अब इसका स्लीव्स कट कर लेंगे। ये गाउन का दुपट्टा है, और इसको हम 4 लेयर में फोल्ड करके रखेंगे। ये 2 लेयर में है, और इसको हम इस तरह से 4 लेयर में रखेंगे। अब यहाँ से 8.5 इंचेस ले लेंगे, और यहाँ से 3 इंचेस।
अब यहाँ से हम इसकी स्लीव्स की लेंथ लेंगे 15 इंचेस। यहाँ से जो भी आपकी मोहरी हो आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, मैं यहाँ पर ले रही हूँ 5 इंचेस। इसको सीधा कर लेंगे इस तरह से। ये टोटल लेंथ 35 इंचेस हो रहा है, तो 35 इंचेस का स्लीव्स कट कर लेंगे और इसको हम इस तरह से शेप दे देंगे। 1 इंचेस एक्स्ट्रा ले लेंगे मार्जिन के लिए। अब इसको कट कर लेंगे। इस तरह से स्लीव्स को कट कर लेंगे, यहाँ पर कट लगा लेंगे यहाँ से, इसका डीप कर लेंगे। अब सबसे पहले इसको कंप्लीट कर लेंगे। ये मैंने लेस लिया है, लेस को यहाँ पर यूज़ करेंगे। इसको ओपन करके रखेंगे और लेस को यहाँ पर रखेंगे इस तरह से। यहाँ से ऊपर साइड इसको फोल्ड कर लेंगे। आप चाहें तो पिनअप कर सकते हैं इसको, या फिर इसको इस तरह से, मैंने फैब्रिक ग्लू से इसको चिपकाया है। अब यहाँ से इसमें सिलाई लगा लेंगे। इसमें मैंने सिलाई लगाकर इसको सीधा करके आयरन इस पर कर लिया है और अब यहाँ से इसको कट कर लेंगे बीच से। अब इसमें पट्टी को यूज़ कर लेंगे। इस तरह से पट्टी को फोल्ड कर लेंगे और नीचे साइड से पट्टी को रखेंगे और इसमें ये वाला इसको अंदर इस तरह से फोल्ड कर देंगे और इसमें ऊपर से सिलाई लगा लेंगे। इसमें मैंने सिलाई लगा ली है। अब इसको ऊपर साइड फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। इस फैब्रिक को अंदर कर देंगे ये स्ट्रैप, इसको थोड़ा सा कट कर लेंगे। अब यहाँ से जो हमने सिलाई लगाई है उसी के ऊपर इसको रख के सिलाई लगा लेंगे। यहाँ से इसमें इस तरह से करते हुए इसमें सिलाई लगा लेंगे, पूरे नेक तक सिलाई लगा लेंगे। इसमें मैंने सिलाई लगा ली है। आप इसका दूसरा पार्ट कंप्लीट कर लेंगे। ये इसमें मैंने सिलाई पहले से ही लगा लिया है। अब इसमें पट्टी को नॉर्मली हमें इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा के उल्टे साइड फोल्ड कर देना है। इस पट्टी को मैंने लगा लिया है लेकिन इसके ऊपर मैं हैंड स्टिच करूँगी और ये इस तरह से बैक का पार्ट बन जाएगा। यहाँ पर हम डोरी को यूज़ करेंगे। अब इसका फ्रंट पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से इसको थोड़ा सा निकाल लेंगे, ये जुड़ा हुआ है। यहाँ से इसको फोल्ड करेंगे। इसमें हम पफ का यूज़ करेंगे। अगर आप पफ नहीं लगाना चाहते तो नॉर्मल इसको बना सकते हैं। ऊपर से 9 इंचेस पर मार्किंग करेंगे इस तरह से। यहाँ से 3 इंचेस लेंगे। आप चाहते अगर आपकी जो चेस्ट है वो ज़्यादा है तो आप 3.5 इंचेस ले सकते हैं और इस तरह से मार्किंग दोनों साइड कर लेंगे इस तरह से। यहाँ पर इसको थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं। अब इसके ऊपर पक को रखेंगे। इस पक को हम इस तरह से फोल्ड करके मार्क कर लेंगे। इसमें भी हम मार्क कर लेंगे ताकि ये हमारा सेंटर में रहे। इस तरह से हम यहाँ पर रखेंगे, इस तरह से रखेंगे। अब इसको हम पिन अप कर लेंगे। यहाँ पर पिन लगा लेंगे इस तरह से। 2 पिन लगा कर हमें इस तरह से इनको फोल्ड कर देना है। अब इस तरह से फोल्ड होने के बाद यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे दोनों में। मैंने सिलाई लगा ली है इसमें, और लेकिन ये प्लेन कटा हुआ है तो इसमें फिनिशिंग ऐसे ही आएगा। इस तरह से हम इसको फोल्ड करके और इसको हम उल्टा रखेंगे यहाँ से। इसमें हम नेक में सिलाई लगा लेंगे और नीचे साइड सिलाई लगा लेंगे।
मैंने सिलाई लगा ली है एक्स्ट्रा जो भी फैब्रिक है इसको कट कर लेते हैं। अब इसको हम इस तरह से कट लगा लेंगे यहाँ पर। अब इसको हम सीधा कर लेंगे तो ये इस तरह से आएगा। तब को हम इस तरह से ऊपर साइड निकाल लेंगे। ये इस तरह से आ जाएगा। ये आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा प्रिंसेस कट इसमें बन चुका है। यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे पूरे में। इसमें मैंने सिलाई लगा लिया है। अब इस तरह से हम पार्ट्स को रखेंगे और सबसे पहले हम इसके शोल्डर जोड़ लेंगे, उसके बाद हम स्लीव्स को जोड़ेंगे दोनों साइड, उसके बाद हम इसमें फिटिंग करके सिलाई लगा लेंगे। ये डोरियाँ ली हैं, डोरियों को हम इन डोरियों को यहाँ से बीच से कट कर लेंगे। इन डोरियों को यहाँ पर हम टक कर लेंगे। तो इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। ये ब्लाउज़ मैंने रेडी कर लिया है। ये आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा ब्लाउज़ इसका बन चुका है। और इसका मैं स्लीव्स आप आर्म होल इसका बता देती हूँ। ये जो फैब्रिक है इसको अंदर करेंगे, उसके बाद यहाँ पर साइड में सिलाई लगाएंगे। इसका बैक दिखा देते हैं। ये इसका बैक साइड है का, यहाँ पर मैंने दो प्लेट्स बना दिए हैं और ये यहाँ पर मैंने हुक भी लगा लिए हैं। ये बैक पार्ट काफ़ी अच्छा लग रहा है। और अब इसको हम डेकोरेट कर लेते हैं। ये कॉलर लिया है मैंने, कॉलर देखा था आपने गाउन में ये लगा हुआ था, उसका मैंने निकाल लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है जिसका मैंने गाउन से लहंगा बनाया है तो उसको चेकआउट कर लीजिए चैनल के ऊपर जाके। और इसको हम स्टिच कर लेते हैं, इसका फाइनल लुक आपको दिखा देते हैं। इसका फाइनल लुक पहनने से काफ़ी अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में बताइए वीडियो को कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।